दिस इज पंकज कुमार, वेलकम टू बुलसाई चैनल। स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न नरेशन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट नरेशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे चेंज करो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या होता है कि नरेशन का मीन्स है कहने का ढंग। जब दो आदमी की बातचीत को तीसरा आदमी चौथे से बोलता है तो किस तरह से बोलता है, तो थोड़ा चेंजेस होता है बोलने के क्रम में। पर्सन जो है उस वर्ड्स या सेंटेंस को थोड़ा फॉर्म करके चेंज करके बोलता है। ये दो तरीके से होता है स्टूडेंट। एक डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्टली जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच, बट इस चीज को अगर कोई तीसरा चौथे से बोलेगा तो थोड़ा चेंज करके बोलेगा। तो चेंज कैसे करेगा कि कल सर नरेशन पढ़ा रहे थे, चेंज हो गया। सो इन दिस वे वी हैव टू नो कि नरेशन क्या है। नरेशन में दो तरह के स्पीच होते हैं और इसमें स्टूडेंट हमें देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को सीखना होता है। वी हैव टू नो दैट हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यूजिंग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो वन बाय वन स्टूडेंट वीडियो को वॉच कीजिए। वन बाय वन आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दीज रूल्स। सो इट इज स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में होगा, इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से हट जाता है। जब हम लोग चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ जाता है, उसके जगह पर मोस्टली दैट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट एट फर्स्ट वी हैव टू नो असर्टिव सेंटेंस। पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर सेंटेंस में से रहेगा तो से दैट लिखेंगे, अगर सेज रहेगा तो सेज दैट लिखेंगे, अगर सेड रहेगा, ये दोनों प्रेजेंट टेंस हो गया स्टूडेंट, अगर सेड है तो वो पास्ट टेंस है तो सेड दैट लिखेंगे, और अगर सेड टू है, ध्यान दीजिएगा से सेज और सेड में टू नहीं था, दैट्स व्हाई से को से दैट, सेज को सेज दैट और सेड को सेड दैट लिखते हैं। बट जब सेंटेंस में सेड टू होगा तो टोल्ड दैट, सेज टू होगा तो टेल्स दैट और सेड टू होगा तो टेल दैट का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कोई प्रोवर्ब हुआ, कोई कहावत हुआ, कोई ऐसा सेंटेंस जो नेचुरली ट्रूथ है, सही है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में भी कोई खास चेंजेस नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, ये डायरेक्ट स्पीच में है तो वी हैव टू कन्वर्ट ही सेज। देखिए सेज है, इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं तो हमें लिखना है ही सेज दैट, दैट लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा गॉन, देन ही। आई किसके लिए आया स्टूडेंट, ही के लिए। वह कहता है मैं अपना बुक पढ़ रहा हूं, तो उसी को चेंज कर रहा है कि वह कहता है कि वह अपना बुक पढ़ रहा है, तो आई जो है वो ही के लिए आया, इसलिए ही इज, क्योंकि आई के साथ एम होता है बट ही के साथ तो इज लिखना होगा। ही इज रीडिंग हिज बुक, आई का माई होता है तो ही का हिज बुक होगा। ये चेंजेस आपको सेंटेंस में मीनिंग के आधार पर भी सोचकर चलना है और कहा क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है उसे अपने नीड के अनुसार चेंज करते रहिए, सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है मोहन सेज टू गीता। देखिए इस सेंटेंस में सेज था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ही सेज दैट, बट इस सेंटेंस में मोहन सेज टू गीता है तो सेज टू के आधार पर आपको चेंज करना होगा मोहन टेल्स गीता, मोहन गीता से कहता है, सेज टू के आधार जगह पर इंस्टेड ऑफ सेज टू टेल्स लिखेंगे। अब यहां पर है आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड सेंटेंस है, तो हम लोग लिखेंगे आई कौन हुआ, यहां लड़का बॉय है यानी मोहन है, मोहन गीता से बोल रहा है मतलब फीमेल है, तो इस तरह से बॉय और गर्ल के बीच में बातचीत हो रहा तो एक ही और एक सी का यूज होगा। आई एम योर फ्रेंड, ये मोहन बोला, दैट्स व्हाई ही इज हर फ्रेंड बोलेंगे, और उसके बाद यू, यू यानी यहां पर गीता है, दैट्स व्हाई सी इज हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिखा है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, या इसी तरह का कोई सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, द सन सेट्स इन द वेस्ट,
या और कोई प्राकृतिक, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस तरह के जितने भी नेचुरल प्रोवर्ब्स हो या फिर कोई कहावत हो या नेचुरली ट्रुथ कोई सेंटेंस होगा, तो उसको बनाते समय ही सेड टू के जगह पे क्या करेंगे स्टूडेंट, टोल्ड, बिकॉज ये पास्ट टेंस है, देखिए ही टोल्ड मी दैट लिखेंगे, उसके बाद नो चेंज एट ऑल, द अर्थ इज राउंड लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड। ये कुछ इस तरह से सेंटेंस हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कुछ और सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं जो पास्ट टेंस से रिलेटेड होंगे, यहां पे लिखता हूं, सपोज कोई पास्ट टेंस इस तरह से है, मान लीजिए पास्ट टेंस में दे सेड टू मी वी विल हेल्प यू, मान लीजिए सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट कीजिए, तो दे सेड टू को क्या लिखेंगे, टोल्ड, दे टोल्ड मी दैट लिखेंगे, उसके बाद वी किस लिए आया है, उन लोगों ने कहा मुझे हेल्प करने के लिए, तो वी विल हेल्प यू, तो वी किसके लिए यूज हुआ स्टूडेंट, दे के लिए, तो दैट के बाद आप वी को चेंज करोगे दे में, और विल जो है पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई विल वुड हो जाता है, इज वाज हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, शैल शुड हो जाता है, हैज हैड हो जाता है, हैव हैड हो जाता है, ये पास्ट टेंस के क्रम में चेंजेस होता है, दैट दे विल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वुड, दे वुड हेल्प, किसे हेल्प कर रहे हैं, मी, तो यहां यू किस लिए है, मी के लिए। मान लीजिए सेंटेंस में मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं, वी विल हेल्प यू टुमारो, इस तरह का मैंने सेंटेंस में दे दिया, तो टुमारो को हम लोग क्या कहते हैं, चेंजेस होता है स्टूडेंट, जस्ट बियर इन माइंड, टुडे को दैट डे बोलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बोलते हैं, और टुमारो को द नेक्स्ट डे भी चेंज करते हैं, तो यहां पर हम लोग को लिखना होगा दैट दे वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर असर्टिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज बुक। यू नीड टू प्रैक्टिस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।